नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बात करेंगे। यह बहुत ही गूढ़ विषय है और जानेंगे कि इसके द्वारा हमारे प्रश्नों का जवाब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योग आश्रम के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि मंदिर में या भजन कीर्तन में किसी को देवी आ जाती है, उस स्त्री या पुरुष का शरीर झूमने लगता है। ऐसी अवस्था में इनका अंतर्मन जागृत हो जाता है। जब लोग अपने बारे में उनसे कुछ पूछते हैं तो वो जो भी उत्तर देता है वह 99% सही होता है। इसका कारण यही है कि अंतर्मन से जो निर्णय लिए जाते हैं, जो बातें कही जाती हैं, वो ज़्यादातर सही होती हैं। यही लाभ हमें ऑटोमेटिक राइटिंग में भी मिलते हैं। पृथ्वी में 3 डायमेंशंस की चीज़ें, यानी जो दिखाई नहीं देती या जो दिखाई देती है, ये सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के नियम से जुड़ी हुई हैं और इन वस्तुओं से अंतर्मन की शक्ति के द्वारा जुड़ा जा सकता है। यानी इसी अंतर्मन के द्वारा आप जो भी प्रश्नों के उत्तर जानना चाह रहे हैं उन सभी के उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का जो अंतर्मन होता है वो सूक्ष्म रूप से आपकी इच्छा के अनुसार सामने वाले के मन से जुड़ जाता है। उसका मन आपके प्रति विचारों को संकेत के रूप में आपको बता देता है। वही संकेत मस्तिष्क से लेकर आप अपने हाथों से लिख देते हैं। इसे ऑटोमेटिक राइटिंग कहा गया है। पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। इसका उपयोग अलग अलग कामों में आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इस व्यक्ति से पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी है तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस व्यक्ति से बिजनेस करें या नहीं यह जानने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस व्यक्ति को कर्ज दे या ना दे इसके लिए भी आप इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। यह व्यक्ति मेरे लिए लाभदायक होगा कि नहीं यह जानने के लिए भी इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। प्रेमी या प्रेमिका मेरे से वफादार होंगे कि नहीं यह जानने के लिए भी इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। यह जीवन साथी के रूप में मेरे जीवन में सही होगा कि नहीं यह जानने के लिए भी इस पद्धति का उपयोग लाभकारक माना गया है। 2-3 क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र का चुनाव करूं जिससे कि मैं सफल हो सकूं, यह जानने के लिए भी इस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं यह जानने के लिए भी यह विधि आपके लिए उपयोगी होती है। कल से इस विषय पर सामने वालों को क्या जवाब दूं यह जानने के लिए भी यह पद्धति बहुत ही उपयोगी है। अब जानते हैं इसका उपयोग कैसे करें, इसका अभ्यास कैसे करें। जब आपका शरीर और मन शांत हो और आप अच्छे मूड में हो तभी ये इस अभ्यास को करना चाहिए। अब एक शांत कमरे में धीमी रोशनी करके ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी या सोफा पर बैठ जाएं। अब आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी श्वास खींचे और छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। अब अपने सामने कागज पेन रख लें। अब अपने मणिपुर चक्र पर दोनों हाथ रखकर ब्लू एनर्जी इस चक्र पर आ रही है ऐसा महसूस करें कि एक नीली रोशनी मेरे मणिपुर चक्र पर आ रही है ऐसा महसूस करें। यह विधि आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। अब आप क्या पूछना चाहते हैं इस विषय पर आंख बंद कर ध्यान लगाएं और पेन लेकर जो मन में आए वह लिखना शुरू कर दीजिए। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, सिर्फ लिखते जाइए जो आपके मन में आ रहा है। अब आंख खोलकर कागज में देखें। आप देखेंगे कि कुछ बातें समझ में आ रही हैं तथा कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। आपने जो लिखा है वह शब्द भी हो सकता है और चित्र भी हो सकता है। यह पूरा अभ्यास करीब 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। इस तरह से इस अभ्यास को 7 दिन तक करना है। 7 दिन तक अभ्यास करने पर आपको इसमें सही सही तरीके से जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। 7 दिन के बाद अभ्यास करेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से मिलना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि 90% जवाब आपको सही मिलने शुरू हो चुके हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग के नियम। अभ्यास में पूरी श्रद्धा रखें।
इस अभ्यास को स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष के ऊपर हों कर सकते हैं। जिनका मन कमजोर है उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। यह अभ्यास सूरज डूबने के बाद करना चाहिए। इस अभ्यास की अवधि में मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। इस अभ्यास के द्वारा निस्वार्थ भाव से आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। अपनी मनोकामना या इच्छा वही करें जिससे किसी का नुकसान न हो। गलत नियत से कोई भी मनोकामना न करें। तेल, मिर्च, मसालों का अपने भोजन में प्रयोग कम करें। महिलाएं मासिक धर्म में इस अभ्यास को न करें। याद रखें, अभ्यास करने के बाद पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अवश्य नहा लें, यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। महिलाएं इस अभ्यास को कर रही हैं तो अपने बाल खोले न रखें, उसे बांध लें। अभ्यास की अवधि में ब्रह्मचर्य रहना अनिवार्य है। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रयोग मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है तथा आपके शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाती है। अश्विनी या वज्रयोग मुद्रा क्या है व इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। आशा है यह अभ्यास आपके जीवन में उपयोगी होगा। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहरों में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। और जो सामाजिक कार्य करने की इच्छा रखते हैं वे भी कुंडलिनी ध्यान का शिविर अपने यहाँ आयोजित करके समाज को लाभ पहुँचा सकते हैं। आप अपने जीवन में तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।